हेलो एंड वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी पिछली वीडियो को, जिसमें हम जान रहे थे गाड़ियों के दिल जिगर और गुर्दे कहे जाने वाले इंजिन्स के बारे में। मतलब इंजीनियर्स ने इतने सारे तरह के इंजिन्स बना डाले, वी इंजन, डब्लू इंजन, आर इंजन, एच इंजन और भी ना जाने क्या क्या। तो हमारे तशरीफ के टोकरे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बनाए गए इतने सारे इंजिन्स का कोई ना कोई काम तो जरूर होगा ना। तो यही था हमारी इस वीडियो का मकसद, जिसमें हमने इनलाइन इंजिन्स के बारे में तो जान लिया, अब बारी है आगे बढ़ने की। लेकिन उसे बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनलाइन 12 बनाने के बाद हम उसे और आगे खींच कर क्यों नहीं लेके गए, यानी इनलाइन 14, इनलाइन 16, इनलाइन 18 और उससे आगे भी हमने ये मॉडल क्यों नहीं बनाए। या किसी खुराफाती इंजीनियर ने अपने पर्सनल यूज के लिए अगर इसे बनाया भी तो ये इतना कामयाब क्यों नहीं हुआ जो इसे कमर्शियल स्केल पर प्रोड्यूस किया जा सके। तो इसका कारण था हद से ज्यादा लंबी क्रैंक शाफ्ट का होना, और हम इसे इतना मजबूत नहीं बना पाए कि ये डायनेमिक फोर्सेस के लोड को झेल सके। वैसे अगर बना भी लेते तो कहां लगाते उस इंजन को। तो जी मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक किया, बाकी आपका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे से अलग हो सकता है। तो अब बात करते हैं वी इंजन की, जिसे मैं अपने इंजीनियरिंग के दिनों में ब्रोज इंजन कहता था। ब्रो, यो ब्रो, समझते हो ना। अरे मैं भी क्या सवाल पूछ रहा हूँ, आज की जनरेशन नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। अब मैं इसे ब्रो इंजन क्यों कहता था, उसका एक कारण है क्योंकि इसमें होते हैं दो सिलेंडर, वो भी बिल्कुल बराबर बैंकिंग एंगल के, ज्यादातर जिन्हें 60 और 90 डिग्री के एंगल पर बैंक किया जाता है, और इनके बॉटम में लगी होती है एक कॉमन क्रैंक शाफ्ट। और मजे की बात ये है कि जैसे जैसे सिलेंडर की संख्या बढ़ेगी ये और ज्यादा कॉम्पैक्ट होते चले जाएंगे। अगर दोनों में बराबर सिलेंडर की संख्या रखें तो वी इंजन की लंबाई इनलाइन इंजन से कम रहेगी। लेकिन किंतु परंतु, क्योंकि ये वी एंगल टेपर होते हैं तो ये ज्यादा चौड़े भी होंगे, मतलब लंबाई में तो कम होंगे लेकिन चौड़ाई में काफी ज्यादा जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो जी इनलाइन इंजन हुए लॉन्ग एंड स्किनी, जबकि वी इंजन हुए शॉर्ट एंड वाइड। अब बारी है वी ट्विन की, यानी वी टू इंजन की। क्या जबरदस्त इंजन है, हार्ले डेविडसन उसकी आत्मा वी ट्विन इंजन ही है। ये आपको कावासाकी X300, बेनेली TRX 502X, CFM मोटो 650 MT, कावासाकी निंजा 300 और रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 इन मोटरसाइकिल में बहुत कॉमनली आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भी ये और भी बहुत सारी मोटरसाइकिल्स में इस्तेमाल होता है, जिसमें से एक मेरे पास भी है। जवानी के दिनों में ले ली थी। चलो एक मजे की बात बताता हूँ, फोक्सवैगन ने क्या किया, डुकाटी 1199 में से उसका वी ट्विन इंजन निकाल कर अपनी गाड़ी में लगा दिया। हाँ जी, लिटरली ये बिल्कुल सच है, मतलब ऐसा कौन करता है, बाइक का इंजन गाड़ी में। हाँ, पर वो चली, बहुत बढ़िया चली, और गाड़ी का नाम था एक्सेल स्पोर्ट, और यही सेम इंजन मजदा R360 में भी लगाया गया था। अब इसके बाद नंबर आता है V3 का। अब देखो, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने V3 किस गाड़ी में देखा था या सुना था, लेकिन मोटरसाइकिल में V3 इस्तेमाल हुआ है, और इसका डिजाइन भी थोड़ा सा अजीब है। इसमें दो सिलेंडर एक बैंक पर और दूसरा सिलेंडर दूसरे बैंक पर होता है, बहुत ही रेयर कॉन्फ़िगरेशन है, पर ये मोटो जीपी की बाइक में इस्तेमाल हुआ है। एटलीस्ट मुझे तो ये बात पता है कि मोटो जीपी में इस्तेमाल हुआ है, जिसमें से एक है होंडा NS 500। पता नहीं क्या सोच के लगाया था, पर ठीक है, चल रहा है काम, चलाओ, क्या कर सकते हैं। मेरी पर्सनल राय में तो कुछ और लगा लेते तो ज्यादा बढ़िया रहता। इसके बाद नंबर आता है V4 का, और ये तो सबसे ज्यादा फेवरेट है मोटो जीपी का। मतलब मोटो जीपी की मैक्सिमम बाइक्स में आपको यही वाला इंजन देखने को मिलेगा, पर ये गाड़ियों में ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ। एक गाड़ी जो मुझे याद है वो है पोर्श की 919 हाइब्रिड, उसमें इस्तेमाल हुआ था, और ये बात है 2014 से 2017 के बीच की। और पोर्श के इस मॉडल में 2 लीटर टर्बो चार्ज्ड V4 इंजन का इस्तेमाल हुआ था। अब नंबर लगता है V5 का। ऐसे मुझे याद नहीं V5 की कोई गाड़ी है या नहीं, लेकिन मोटरसाइकिल में इस्तेमाल हुआ है। मोटरसाइकिल का नाम है होंडा RC211V। और अब नंबर आता है मेरे फेवरेट, यानी V6 का, जो भर भर के इस्तेमाल हुआ है गाड़ियों में। मोटरसाइकिल इसके लिए थोड़ी रेयर है, लेकिन एक मैंने ढूंढ के निकाल लिया, और उसका नाम है बेनेली SEI, जिसमें V6 इंजन लगा हुआ है। अब बात करते हैं V6 इंजन पर बेस्ड गाड़ियों की, यानी कार्स की। तो 6 सिलेंडर वाली गाड़ियों की तो मार्केट में बाढ़ आई हुई है, दुनिया भर की हैं। किस किस का नाम लूं, पर कोई नहीं, एक दो को मेंशन करना तो जरूरी है, कर देते हैं। पहली है टोयोटा लैंड क्रूजर 300, दूसरी लैंड रोवर डिफेंडर, तीसरी BMW X7 और चौथी BMW ZR। नहीं, ZR नहीं था, वो Z4 था। फ्लो फ्लो में नाम ही गलत निकल गया, थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट चल जाता है। अब नंबर आता है V6
V8 का। ओहो, क्लासिक इंजन बहुत गाड़ियों में इस्तेमाल हुआ है, अभी भी होता है। जिसमें से कुछ गाड़ियां हैं फोर्ड मस्टैंग, लंबोर्गिनी URUS, BMW M5, मर्सिडीज बेंज E63 AMG, मैक्लारेन 720S, पोर्श, फरारी और GMSV शेवरले। मजा आ गया। एकदम धांसू इंजन है, बस हाथ में आ जाए और आदमी इसको रॉकेट बना के उड़ा लेगा। और इंश्योरेंस होना चाहिए, नहीं तो चलान भी कटेगा और हड्डियां भी टूट सकती हैं। अब इनकी एक और खास बात है कि ये फ्लैट हेड ओवरहेड वॉल्व, क्रॉस प्लेन क्रैंकशाफ्ट और फ्लैट प्लेन क्रैंकशाफ्ट के साथ भी आते हैं। अब नंबर लगता है V10 का, जो कि इस्तेमाल होता है वाइपर में। अरे, शीशे साफ करने वाला नहीं बल्कि एक गाड़ी का नाम है। यस, वाइपर नाम की गाड़ी भी है। और V12 इस्तेमाल होगा, मतलब होता है एस्टन मार्टिन में। बहुत महंगी है, बहुत महंगी गाड़ी है। अब ये जो V12 है, ये तो एक जबरदस्त इंजन है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट 6 का बैलेंस्ड वर्जन है। बस उसमें 6 सिलेंडर थे, इसमें 12 हैं, लेकिन सारे के सारे बैलेंस्ड हैं, बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस हैं, जिसका कारण है परफेक्ट वी एंगल का होना। यानी हमने क्या काम किया, स्ट्रेट 6 के 12 सिलेंडर बनाकर परफेक्ट वी एंगल अचीव करके एक बिल्कुल स्मूथ परफेक्ट V12 इंजन बना लिया। अब इसके बाद नंबर आता है V14 का, जिसका मुझे आइडिया नहीं है कि वो कहां इस्तेमाल हुआ है या हुआ था या हो रहा है, तो अब मैं उसकी तारीफ में क्या कहूं। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक धुरंधर कंपनी, हाँ जी, एक कंपनी ऐसी भी है जिसने V16 का इस्तेमाल किया है। नाम है कैडिलैक, सुना तो होगा आपने। और ये वाला इंजन 1930s में बड़ा ही कॉमन था, एटलीस्ट इस कार के लिए तो कॉमन ही था। इसके बाद आते हैं V18, जो कि बहुत बड़े बड़े माइनिंग ट्रक्स में इस्तेमाल होता है। हाँ, बहुत बड़े, सच में बहुत बड़े ट्रक हैं ये। इसके बाद आता है V20, जो कि कैटरपिलर में इस्तेमाल होता है। कैटरपिलर समझते हो ना? अरे हाँ, वही जो जमीन होती है, शायद वही है। अब बारी आती है V24 की। वैसे तो ये ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुए हैं, पर एक बार फिएट को पता नहीं क्या सूझी उसने कंपटीशन में। किससे कंपटीशन था उसका, पता नहीं किससे था, पर था। हाँ, इतना याद है कि किसी से कंपटीशन में फिएट ने V24 इंजन को डिजाइन किया था और उसका इस्तेमाल किया था एक ट्रक के अंदर, जो कि लगभग 3424 हॉर्स पावर की ताकत जनरेट कर रहा था। वाओ, दिस इज ह्यूमंगस पावर। तो अब तक हमने काफी कुछ जान लिया है। सबसे पहले हमने जाना स्ट्रेट इनलाइन इंजन्स के बारे में, जिसमें हमने सिंगल सिलेंडर से लेकर जितने पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते थे लगभग सारे ही जान लिए। फिर उसके बाद हम आए वी इंजन पर, जिसकी शुरुआत करी थी हमने वी ट्विन से, और अब हम V24 तक आ गए। पता नहीं इसके बाद आगे बनाए के नहीं बनाए, पर पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई। और अब नंबर आता है VR इंजन्स का। अब ये जो VR इंजन है, इसमें इनलाइन इंजन और वी इंजन दोनों को एक साथ, हाँ जी, दोनों की खास प्रॉपर्टीज को एक साथ एक जगह ले आए। और इसमें जो ये R शब्द है, इसकी फुल फॉर्म है राइन मोटोर, ये एक जर्मन वर्ड है। क्यों ना एक काम करें कि बची हुई कहानी को कल डिस्कस करें, क्योंकि अभी तो ये लेक्चर लंबा चलने वाला है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, और मुझे नहीं लगता कि एक वीडियो में बताना ठीक रहेगा, नहीं तो खिचड़ी तो पकेगी, पक्का पकेगी। और वैसे भी मैं थक गया हूँ, समझ सकते हो आप। तो चलिए, अब डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।